यह खबर कोटा से है, राजस्थान के कोटा, जहां 104 बच्चों की मौत के बाद अब राजस्थान सरकार की नींद टूटी है। जयपुर से मंत्री कोटा जा रहे हैं, आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन भी जागा है। साफ सफाई से लेकर दवाओं, डॉक्टर्स के इंतजाम हो रहे हैं, राजनीति भी तेज हो रही है, लेकिन लोग गुस्से में हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता कोटा में मंत्री का विरोध कर रहे हैं और पुलिस ने बसों में भरकर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो राजस्थान सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, राजस्थान सरकार के खिलाफ, अस्पताल प्रशासन के खिलाफ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीजेपी युवा मोर्चा का ये आरोप है कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से फैल रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। एक पीड़ित परिवार को परिवार को उनको मुआवजा कहते हैं कि एक पीड़ित परिवार को परिवार को लेकर पीड़ित परिवार को उनको मुआवजा देने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी युवा मोर्चा के नेता सब आए हुए हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। चलेगी लाठी गोली के बल पर आज चिकित्सा मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं 13 दिन बाद, जब बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो चुकी है इनकी लापरवाही के कारण। चिकित्सा मंत्री को आज क्या क्या करना चाहते हैं आप लोग? कड़ा विरोध करेंगे उनका। ये कोटा की धरती पर किसी भी सूरत में मंत्री इस तरह के लापरवाह को मंचे मर रहे हैं। अब राजनीति क्या कर आप लोग? अब राजनीति नहीं कर रहे हैं। 13 दिन बाद मंत्री मामले को लेकर मंत्री ने बीजेपी के राज में 154 मरे थे। बीजेपी के राज में जब मृत्यु हुई थी वो डेंगू की उससे हुई थी। हमारे विधायक संदीप शर्मा ने कोटा में रक्त मित्र अभियान चलाकर डेंगू पीड़ितों के लिए एचडीपी की व्यवस्था की थी, लेकिन ये सरकार इतनी लापरवाह है, इतनी संवेदनहीन है। चलो अंदर चलो। चिकित्सा मंत्री मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर इनको सबको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है। ये आए थे यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए, ये शिक्षा मंत्री, ये चिकित्सा मंत्री और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आ रहे हैं, उनको काला झंडा दिखाया जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर इन सबको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, कोटा।